एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। इस हादसे में दो पायलट की मौत हो चुकी है। ये क्रैश लैंडिंग क्यों हुई, इसका क्या कारण रहा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं क्रैश के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि क्रैश में एक पायलट की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। क्रैश में स्टेट हेलीकॉप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा टेस्टिंग के दौरान हुआ। प्लेन क्रैश मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली है। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया। सीएम ने इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। मौके पर एक टीम को रवाना किया जा चुका है और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लैंडिंग इतनी खतरनाक रही कि एक पायलट ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो दूसरे को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों पायलट जब प्रैक्टिस कर हेलीकॉप्टर को लैंड करवा रहे थे, तभी उसमें आग लग गई और ये क्रैश लैंडिंग हुई। अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। रामकृष्ण अस्पताल ने जरूर इस बात की पुष्टि कर दी है कि हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। वहीं अब डेड बॉडी का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है।